गिरिडीह के पूर्व सैनिकों की एक बैठक सिहोडे स्थित आइकन पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। यहां मुख्य अतिथि के रूप में वेटरन्स इंडिया धनबाद के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वेटरन्स इंडिया धनबाद के सचिव रमेश प्रसाद और राजकुमार की उपस्थिति हुई। बैठक में अतिथियों के द्वारा बताया गया कि संगठन के माध्यम से जुड़े में किसी भी सेवानिवृत्त सैनिक, उनकी विधवा एवं सेवारत सैनिकों की किसी प्रकार की समस्याओं का निदान करने का प्रयास इनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके अलावा संगठन को सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहना है, पूर्व सैनिकों के नियोजन के लिए भी कार्य करना है। बैठक में उपस्थित वीर नारी पार्वती देवी के द्वारा उनको पेंशन कम मिलने की बात कही गई। उसके निदान के लिए वेटरन प्रदीप कुमार को कार्रवाई के लिए दायित्व दिया गया और कई बिंदुओं पर विचार के बाद गिरिडीह में वेटरन इंडिया की इकाई को संचालित करने के लिए 15 लोगों की एक कार्यवाहक कार्यकारिणी समिति बनाई गई, जिसमें वेटरन नवीन कांत सिंह को अध्यक्ष, वेटरन बच्चू मंडल और वेटरन प्रदीप कुमार को उपाध्यक्ष, वेटरन अमित रंजन को सचिव, वेटरन आर के वर्मा को कोषाध्यक्ष, वेटरन विद्याभूषण, वेटरन अशोक कुमार, वेटरन दशरथ किस्कू को संयोजक का दायित्व दिया गया और सक्रिय सदस्य के रूप में वेटरन विजय कुमार वर्मा, वेटरन उमेश कुमार, वेटरन रवि द्विवेदी, वेटरन विजेंद्र प्रसाद, वेटरन वीरेंद्र पांडे, वेटरन दिलीप कुमार, वेटरन सुधीर प्रसाद सिंह को मनोनीत किया गया। इस बैठक में वेटरन गोकुल पाठक, सर्विस सोल्जर पवन कुमार वर्मा, रामकृष्ण वर्मा, सुधीर कुमार वर्मा, विजेंद्र प्रसाद, सुकुल नारायण देव, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। वेटरन इंडिया गिरिडीह के संगठन को आज यहाँ खड़ा किया गया। वेटरन इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे राष्ट्रीय राष्ट्र के इसमें है, पूरे एक पूर्व सैनिकों का, उनके परिवार का, डिपेंडेंट्स का, वीर नारीज का, विडोज का, कल्याणकारी गतिविधियों को देखने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी की दिक्कत परेशानी हो उनको दूर करने के लिए संगठन को बनाया गया। सारे पूर्व सैनिक एकत्रित हों, उनका सम्मान, समाज उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनकी हक की लड़ाई, उनके सरकारी कार्यक्रम, जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको पूरी तरह दिलाने के लिए इस संगठन का विस्तार किया जाएगा। संगठन को बनाया जा रहा है, ऑलरेडी ये इंडिया लेवल पर चल रहा है। धनबाद में 3-4 महीना पहले किया गया, आज गिरिडीह में इसका शुरुआत किया जा रहा है। आज एक कार्यकारिणी की बनाई जाएगी जिसमें आगे की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। वेटरन्स इंडिया जो पूर्व सैनिकों का संगठन है जो दिल्ली से संचालित है, उसको गिरिडीह में आज कहिए तो बीजारोपण किया गया है। यहाँ भी संगठन बनाने की प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो पूर्व सैनिक हैं, साथ ही साथ जो हमारे सेवारत सैनिक भी हैं, अगर उनके घर में परिवार में भी कोई समस्या है, किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, प्रशासनिक तौर पर, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं, पूर्व सैनिकों का रिप्लेसमेंट की योजनाओं है, तो जो दिल्ली से ये वैकेंसियाँ निकलते हैं उसकी जानकारी के लिए और लोगों की मदद के लिए इस संगठन बनाया गया है। और इस संगठन को के बीजारोपण में पूर्व सैनिकों के साथ साथ जो सेवारत अभी हमारे गिरिडीह जिले के कुछ लोग हैं उनकी भी उपस्थिति दर्ज है, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। और ये मिलजुल कर, चाहे सेवारत हो चाहे पूर्व सैनिक हो, दोनों को मिलाकर ये संगठन आगे बढ़ेगा और सेवा के राह में चलेगा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, जिनका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहता है, उनके माध्यम से और लोगों को अपील करता हूँ कि जिनके भी नॉलेज में, जितने के भी संज्ञान में गिरिडीह जिले में पूर्व सैनिक और हैं, वो हमारे संज्ञान में लाएं, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें और उनका भी हम सहयोग कर सकें। ये हमारी मानना है, ये हमारा सोच है, ये विचार है, तो इसी को लेकर ये आज कार्यक्रम बीजारोपण किया गया।